हमारे चर्च का टेलीविजन चैनल है गुमटी चर्च टीवी, गुमटी चर्च टीवी यूट्यूब पर। मेहरबानी करके सारे इसको कोशिश करें कि सब्सक्राइब कर लें, गुमटी चर्च टीवी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। खुद आपको बरकत दे। हम कोशिश करेंगे सारी मैसेजेस और दुआएं हम उस पर रखें, जहाँ भी आपको जरूरत हो आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकें। खुदा के कलाम पाक में यह लिखा है, पर अमन बादशाही और यसी के तने से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मारूफत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी और वो न अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और न अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते से मिस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा और वो अपनी जुबान के असा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा, बस भेड़ या बर्रा के साथ रहेगा और चीता बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा और शीर खर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्ना बच्चा उनकी पेशरवी करेगा, गाय और रिचनी मिलकर चलेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बक और शेर बबर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया वो अफाई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोह मुकद्दस पर न जरर पहुंचाएंगे न हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। खुदावंद का शुक्र हो उसके कलाम के लिए। यसी अपने गांव का सरदार था, उसके 8 बेटे थे और 8 बेटों में 8वां नंबर दाऊद मुकद्दस दाऊद का था, दाऊद नबी का था। पर यसी की हालत पतली थी, गरीब था, गुजारा ही होता था उसका और सऊल अक्सर दाऊद को मजाक किया करता था, तंग करता था, छेड़ता था और जो इनका ताल्लुक बोएस और रूथ के खानदान के साथ था पुराने अदम में। और ये खानदान कदरे पस्त था और आज के कलाम में से पहली बात आपको बताना चाहता हूं, जो खुदावंद के साथ चलते हैं जब पस्त होते हैं तो खुदावंद उन्हें उठा खड़ा करता है, खुदावंद उनकी मदद करता है। और मैंने आपकी खिदमत में इस बात को देखा है, इस बात का तजुर्बा किया है। मुझे मैं सर एक खानदान शायद आज भी यहां बैठा हो जो बहुत ही गरीब थे और बहुत से खानदानों को मैं जानता हूं जो बहुत ही गरीब थे और हम गाते हैं कि वो देखा रवे चाहे इज्जत दौलत पाक कर बेचो दे नेकी ना लाना। और जिस दिन से उन्होंने इस घर में आना शुरू किया अब हजारों रुपए वो चर्च को देते हैं और कभी उनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, उनकी मां भूख से मर गई। और दाऊद का खानदान भी पस्ती की हालत में है और दाऊद सबसे बेटा छोटा है और भेड़ बकरियां चराता है
और खुदा वक्त आने पर दाऊद के घराने को सरफराज करना चाहता है। वो हमें मसले से उठाता है, गुमनाम की जिंदगी से वो हमें उठा खड़ा करता है। कलाम मुकद्दस में से जो हवाला हमने सुना है, यह भी यसी के खानदान के साथ खुदा का वादा है। कलाम मुकद्दस में जो हमने पढ़ा है कि यसी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। खुदा यशाया नबी के वसीले से 750 साल पहले इस बात का तस्करा करता है कि उसके तने में से एक शाख निकलेगी। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम भी दाऊद के खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये भी मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम भी उस वक्त पस्ती की, गुर्बत की हालत में थे। उनके पास कोई ज्यादा वसाइल नहीं थे, उनके पास कोई ज्यादा नाम नहीं था। और आज के कलाम में से अगली बात आपको बताना चाहता हूं, जिनके पास कोई नाम नहीं होता खुदा उन्हें नाम भी देता है, खुदा उन्हें उठा खड़ा करता है, खुदा उन्हें पस्तियों से निकालता है, खुदा उन्हें बड़ा नाम अता करता है। और ये दोनों गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे, मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ, उनकी हालत गुमनामी की जिंदगी की सी। और उस वक्त जब आज से 2000 साल पहले दाऊद का खानदान पस्ती की हालत में, गुर्बत की हालत में था, और कुलुसियों पहला बाब उसकी 19वीं आयत में लिखे, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करेगी। कलाम मुकद्दस में इस बात का तस्करा किया गया और लिखा है, और खुदावंद की रूह उस पर आ ठहरेगी और हिकमत और खर्द की रूह। और जिस दिन मुकद्दसा मरियम को पैगाम मिलता है, फरिश्ता आता है, वो कहता है खुदावंद का रूह तुझ पर साया करेगा, खुदावंद का रूह तुझ पर आ ठहरेगा। और मैं दिली तौर पर महसूस करता हूं मुकद्दसा मरियम पर भी खुदावंद का रूह आकर ठहरा था और खुदावंद की कुदरत के वसीले से उसे बेटा मिला। और आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आज भी एक दिन मेरे मुंह से खुदावंद ने कहलवाया कि आज मैं 25 साल से बेऔलाद जोड़ों को ला दूंगा, और उस दिन जितने यहां बैठे थे उन जोड़ों की सबकी गोद भर गई। खुदा करूं कभी कभी जिसके सबसे ज्यादा शायद पता नहीं आज हुआई हो, उसको 23 साल के बाद खुदा ने बेटी दी, उसकी शादी के 23 साल के बाद। और मुकद्दसा मरियम पर भी खुदा के रूह को आकर ठहरता हुआ, हमसाया करता हुआ देखते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा, और खुदा की रूह उस पर ठहरेगी और हिकमत और खुद की खिर्द की रूह। और मेरे यसु जैसा कोई हिकमत रखने वाला अभी तक दुनिया में नहीं है। उसकी बातें उसको फांसने की कोशिश करते हैं, वो काबू ही नहीं आता। पिछले 2000 साल से लोग इस इंजील की तफसीर कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, ये खत्म नहीं होती। इतनी खिर्द की बातें हैं, इतनी मसलहत की बातें हैं, इतनी इसमें हिकमत पाई जाती है कि बड़े बड़ों की हिकमत जवाब दे जाती है। जब कलाम को पढ़ते हैं, जब यीशु के मुंह की बातों को सुनते हैं, हैरान कर देता है, परेशान कर देता है दुनिया को। जब दुनिया सुनती है कि कोई शख्स पानी पर चलता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, और मेरा यीशु पानियों पर भी चलता है, मेरे यीशु बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े मौजे करता है इस दुनिया में। और इसी बात का यहां 750 साल पहले जिक्र, और खुदाम की रूह उस पर ठहरेगी। और जब खुदाम की रूह उस पर जारी तौर पर आकर ठहरी, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दस मत्ती के 4वें बाब में कि खुदा का रूह उसे बियाबान में ले गया, और जाकर उसने इब्लीस का मुकाबला किया और इब्लीस को शिकस्त दी। फिर कलाम मुकद्दस में दूसरी बात है, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। उसमें उसकी बातें बड़े बड़े आके उसके साथ बातें करते, उसे कहते हैं कि क्या बादशाह को जिजिया देना रवा है? वो मेरा यीशु कहता है जो बादशाह है बादशाह को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो, फांसने वाले उसे फंसा नहीं सकते। उसने पूरी दुनिया को हाथ खड़ा करके चैलेंज किया,
कौन है तुम जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, कोई उसमें गुनाह साबित नहीं कर सकता। वो गुनाह से मुबर्रा और पाक है, उसकी बातें लाजवाब है, उसके काम लाजवाब है, उस जैसे कोई काम कर ही नहीं सकता, उस जैसे तो मोहसा हो नहीं सकते। कोई आज तक ऐसा फर्द मैंने नहीं देखा जो मुर्दों को जिंदा करता हो, मेरा यीशु ये काम करता है। मेरे यीशु के पास ये इख्तियार है, उस पर जो रूह ठहरी है वो उसके वसीले से ये काम करता है। मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो शहनशाहों का शहनशाह है, जिसके जमीन पर आने के साथ जमीन पर हलचल मच जाती है, आसमान से फरिश्ते गाते हुए नीचे आते हैं, वो दुनिया को पैगाम देते हैं सुलह सलामती और अमन का। वो जो कहते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, वो अपने बाप का बड़ा ताबे फरमान है, बाप की ताबेदारी करता है। और कलाम मुकद्दस में उसके बारे में लिखे, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, उसमें अपनी जान देने तक भी वफादार रहा। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और सबसे पहली मिसाल यीशु ने कायम किया, उसने जवानी में 33-33 साल का यीशु था जब उसे सलीब दे दिया गया, और यीशु मेरा सलीब पर नहीं रोता। आजादी के साथ उसने सलीबी मौत को भी कबूल कर लिया, क्योंकि मेरा यीशु जानता था, आपका यीशु जानता था, मुझे मार देंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। उसको इस बात का इल्म था कि वे मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाऊंगा। उसने मौत को शिकस्त दी, उसका खुदा के खौफ क्यों है, और उसमें खौफ जरा भी नहीं है, पर डरता मौत से। मौत दुनिया का सबसे बड़ा खौफ है, मौत दुनिया का सबसे बड़ा डर है। हर कोई कहता है मैं ना मरूं, मैं मरना नहीं चाहता, हर कोई मौत से घबराता है, डरता है, लेकिन मेरा यीशु मौत से नहीं डरता, मेरा यीशु मौत से नहीं घबराता। और एक बात मैंने बहुत दिन पहले आपसे कही थी कि जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दी है, मौत से वो भी नहीं डरते, मौत से वो भी नहीं घबराते, क्योंकि वो जानते हैं कि मरने के बाद हम खुदा उनके पास जाएंगे। और मैं तो यूं भी कहता हूं, अक्सर जनाजों पर मैं जनाजों पर अक्सर कहता हूं कि आज इस शख्स का सिर्फ एड्रेस ही बदला है, ये मरा कोई नहीं, आज हम इसे दफन नहीं करते, आज हम इसे जमीन में बोने के लिए जाते हैं। और यीशु के अंदर भी खौफ की रूह है, खुदा के खौफ की रूह, उसकी पेशानी तो उसकी शादमानी खुदा उनके खौफ में होगी, और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा, वो इंसाफ भी करता है। उसका इंसाफ बड़ा खूबसूरत है, उसका इंसाफ बड़ा आला है। उसका इंसाफ क्या है, उसके पास एक शख्स को लेकर आते हैं, उसका इंसाफ क्या है, वो कैसा इंसाफ करता है। एक शख्स लेकर आते हैं, छत फाड़ के उसे नीचे कर देते हैं, वो उसे बालिज होता है, और यीशु इंसाफ क्या करता है, यीशु कहता है जा तेरे गुनाह माफ हो गए, यीशु उसके गुनाह को माफ करता है। यीशु के साथ सलीब पर दो डाकू भी चढ़े हुए हैं और यीशु उनका इंसाफ करता है, कहता तू आज मेरे साथ फिरदौस में हो। वो इंसाफ, उसका इंसाफ मोहब्बत और प्यार से भरा हुआ है। वो उसके पास जो आ जाता है उसके गुनाहों को माफ कर देता है, उसके पास माफ करने का इख्तियार है। और आमतौर पर अदालतें सजा देती हैं, लेकिन मेरे यीशु रहाई देने के लिए आया था, आजादी देने के लिए आया था, शिफा देने के लिए आया था, रहाई देने के लिए आया था, आजादी देने के लिए आया था। वो उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को मारा नहीं, सिर्फ एक दफा जिंदगी में यीशु ने कोड़ा उठाया था और किसी इंसान को नहीं मारा उसने, उन जानवरों को भी नहीं मारा उसने, सिर्फ जानवरों को हांक के लिए हांकने के लिए कोड़ा उठाया था। उसने कभी किसी का साथ लड़ाई नहीं की। वो कहता है अगर कोई तेरी दैनिक गाल पर तमाचा मारे तो बाएं भी इसकी तरह। वो प्यार मोहब्बत का दर्श लेकर इस दुनिया में आए, और उसकी बादशाही पुर अमन है, उसकी बादशाही अमन वाली है। वो दुनिया के गुनाहों को माफ करने के लिए आया, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बच दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो मौत से निकालने के लिए आया, वो इंसाफ करता है, वो मुंसिफ है, उसके पास इंसाफ करने का इख्तियार है, उसका इंसाफ बड़ा
खूबसूरत है, बड़ा आला है, वो उसके इंसाफ में जो पहला दर्जा है वो माफ करने का है। और कलाम मुकद्दस में इस बात का तस्करा किया गया कि खुदाम यस्सु के बारे में कलाम मुकद्दस में कुलुसियों दूसरा दो बाब नौ आयत में, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, अलूहियत की सारी मामूरी उसी में सुकूनत करती है। फिर ये जब यस्सु बड़ा हुआ तो अपने शहर में जाता है, उसका शहर जिसका तस्करा कलाम मुकद्दस में है कि वो नासरत में जाता है, नासरत में रद्द किया जाता है, नासरत में जाता है और नासरत के एक इबादत खाने में जाता है। इबादत खाने में जाता है तो उसे किताब दी जाती है पढ़ने के लिए, वो किताब को खोलता है और यशाया नबी का सहीफा उसके नौवें बाब को निकालता है। और यही वाला जिसकी मैंने आज तलावत किया, मेहरबानी से मुकद्दस लूका की इंजील उसके चौथे बाब और उसकी 18वीं आयत से देख लें। वो कहता है जो हवाला वो पढ़ता है यही हवाला है जिसकी पुराने अहद में मैंने तलावत की सुनी है, वो यह कि खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। वो ये हवाला पढ़ता है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। मेरा यीशु गुनाहों के कैदियों को रहाई भी देता है, मेरा यीशु अंधों को बिनाई भी देता है। कौन आज तक, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, साइंस पिछले 50 सालों में जितनी तरक्की है इतने पिछले 1000 साल में भी तरक्की नहीं की। साइंस बहुत एडवांस चली गई है, हर चीज बन रही है, बहुत से हजार नए बना रहे हैं, लेकिन आज तक कोई साइंसदान आंख नहीं बना सका और मेरा यीशु आंखें भी बना देता। कहते हैं अंधों को बनाई वो मट्टी से, मैंने मोशे पर कलाम सुनाते हुए बताया था, बहुत से लोग नहीं जानते, यीशु ने मट्टी ली, मट्टी को साना और उसके दो गोलियां बनाई और जन्म के अंधे के डेले नहीं होते, यीशु ने यूं करके अंदर मट्टी के डेले, अंदर मट्टी की गोली डाली और अंदर जाके वो डेला बन गया। और यीशु ने उस दिन इस बात को साबित किया कि मैं आज भी मट्टी से इंसानों को बना सकता हूं, मट्टी से अजाब को बना सकता हूं। और इसलिए कलाम कदस में लूका नबी लूका बयान करते हैं, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, कुछ लोगों को आजाद करो और खुदाओं के सारे मकबूल की मुनादी करो। फिर वो किताब बंद करके खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखों पर आंखें उस पर लगी थी और उसे कहने लगा आज नबिश्ता हमारे सामने पूरा हुआ। जो यशाया नबी उसके आने से 750 साल पहले बयान करता है, यीशु इस नबिश्ते को पढ़कर कहता है आज ये हमारे दरमियान पूरा हुआ। और वो उस इबादत खाने में दुनिया को कहता है कि मुझे देख लो, मैं वही हूं जिसका जिक्र 750 साल पहले यशाया नबी ने किया। इस बात का हमें पता चलता है कि वो उनके सामने इस बात की गवाही देता है और सबने उस पर गवाही दी और उन पर फजल की बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी तो जब करके कहने लगे क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं। हमें कलाम मुकद्दस में इस बात का पता चलता है कि जो बातें उसके बारे में अंबिया बयान करते हैं, पुराने अहदनामे को हम नए अहदनामे के साथ क्यों रखते हैं? इसलिए पुराने अहदनामा नए अहदनामे के साथ इसमें इसलिए है के पुराने आदम में जितनी पेशगोइयां की गई हैं, जितनी गवाहियां दी गई हैं, वो नए आदम में आकर मेरे और आपके यीशु में पूरी होती हैं। वो बातें जो खुदा हजारों साल पहले कई सौ साल पहले बयान करता है वो यीशु की जिंदगी में हमें पूरी होती हुई दिखाई देते हैं। और वो बात जो यीशु यहां पर बयान करता है वो कहता है कि आप सबने इस बात को देख लिया। और कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया कि ये सारे भी 750 साल बयान करते कि उसकी जुबान के असा से जमीन को मारेगा, बादल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा और अपनी जुबान के असा से जमीन को मारेगा। जुबान का असा क्या है? जुबान का असा उसके मुंह की बातें हैं, उसके मुंह का कलाम है। और मेरे यीशु के मुंह से जो बातें निकलती हैं वो असर रखती हैं।
मेरे यीशु के मुंह से जो बातें निकलती हैं वो पूरी हो जाती हैं। मेरे यीशु के मुंह से अल्फाज जो निकलते हैं वो पूरे होते हैं। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कलाम मुकद्दस मेरे और आपके हाथों में है, खुदा आज भी इसको पूरा करता है हमारी जिंदगी में। और आज भी उसके कलाम के असर से इब्लीस करता है, इब्लीस घबराता है। जब भी उसके मुंह की बातें होती हैं, आप देखते हैं यहां पर कैसे बदरुए चीखे मारना शुरू कर देती है, क्योंकि आज भी उसके मुंह की बातें इब्लीस को चुभती है। वो उसके काम को तमाम करना जानता है। और कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया कि अजल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और यीशु फैसला क्या करना चाहता है, क्या फैसला करना चाहता है? यीशु का फैसला यही है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। और मैं एक बात बयान करता हूं, अक्सर बयान करता हूं, आज भी बयान कर देता हूं, सुन लीजिएगा कि ये मत समझे, ये मत जाने कि आपने यीशु को कबूल किया है। आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या अहमियत है और मेरी क्या वक्त है कि मैं यीशु को कबूल करूं? ये उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे कबूल कर लिया, उसने मुझे कबूल कर लिया। आमतौर पर लोग आप पूछते हैं आपसे, जी आपने यीशु को कबूल कर लिया? मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी क्या अहमियत है कि मैं यीशु को कबूल करूं, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे कबूल कर लिया। वो कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, वो इसीलिए इस दुनिया में आता कि हम रहाई पाए, आजादी पाए, शिफा पाए, तसल्ली पाए। और कुछ दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया और मैंने कहा कि भाई खुदा कई दफा हमारी दुआ सुनता है और उसका जवाब देता है, लेकिन कई दफा खुदा उनका मंसूबा कोई और होता है। कुछ ऐसी कलाम के जिसमें दुआएं जो सुनी नहीं गई और उसके खुदा के मकासद कुछ और होते हैं, हमें समझने की जरूरत होती है। कई दफा एक पुराने चर्च में एक शख्स मेरे पास आया और उसे अलाइव हॉस्पिटल से लेकर आए, तादाद भी उसका खानदान यहां पर हो, और डॉक्टर से उसे जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा जाओ, दो तीन दिन बाद ये बंदा खत्म हो जाएगा। वो उठाकर गिरजे में ले आए और हमने सारी टीम ने उस पर हाथ रखकर दुआ की और वो घर जाकर ठीक हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये तीन दिन बाद मर जाएगा, वो ठीक हो गया। और उसने पुराने गिरजे का गेट भी मुझे बना कर दिया। मैंने कहा, उसने गार्डनिंग की दुकान फिर से खोल ली, इतना नॉर्मल हो गया। जो डॉक्टर कहते थे तीन दिन बाद मर जाएगा, बेहोशी की हालत में गिरजे में लेकर आया, हमने दुआ की, उसने होश कर ली, नॉर्मल हो गया, वापस गया और दुकान खोल ली, काम करना शुरू कर दिया, चर्च का गेट भी बना के दिया, बड़ा राजी। और छह माह के बाद, चार पांच माह के बाद मुझे पता चला कि वो मर गया। मैंने खुदावंद से पूछा, खुदावंद ये क्या हुआ, क्यों मर गया? खुदा ने कहा तूने मुझे शिफा के लिए कहा तो तूने उसकी जिंदगी नहीं मांगी थी मुझसे। और मैंने तेरी बात मानी, मैंने उसे उठा खड़ा किया और बाकी उसके जिंदगी का काम खत्म हो गया। उससे कई दफा खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, लेकिन खुदा के मकासद कई दफा और होते हैं। और यीशु मसीह उस दुनिया में इसलिए आया था कि वो खुदावंद के पास समय खुदा के पास लेकर जाए और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा, अपनी जुबान की असर से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फनाह कर डालेगा। अपने लबों के दम से शरीरों को फनाह कर डालेगा। लबों का दम क्या होता है? कई दफा किसी दिन कभी मैं किसी पर फूंक भी मार देता हूं, वो रौला पाएगा, कनक पादरी फूका मारता है। मैं क्या, मैं नहीं मारता, पहली फूंक मेरे खुदा ने मारी थी। जब आदम को उसने मट्टी से बनाया तो उसने उस जिंदगी में नस्लों में जिंदगी का दम फूका। और दूसरी शागिर्द योहन्ना की जील के बीसवें बाब में यीशु ने मारी थी। जब यीशु ने फूंक मारी तो शागिर्दों से कहा कि रूह कुदस लो। और यहां भी है कि वो अपने लबों के दम से शरीरों को हला कर डालेगा। मैं भी कई दफा किसी किसी दिन बड़ी मौज में हो तो फूंक मार देता हूं, लेकिन याद रखें, ओ, किसी ने कहा था पादरी फूका मारता है, गुनाह करता है, ये गुनाह नहीं है। कई दफा ऐसे भी वाकयात हमारी जिंदगी में हो जाते हैं कि हम ऐसा करते हैं, वो अपने लबों के दम से शरीर को फना कर डालेगा और उसके कमर का पटका रास्तबाजी होगा, उसके पैरों पर बहुत दारी का पटका होगा।
बस भेड़ या बर्रे के साथ रहेगी, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा पला हुआ बैल मिलकर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। मैं मुख्तसर बयान करता हूं। खुदा ने जब जानवरों को बनाया, जानवर आदि के सामने से गुजरे, उसने उनके लिए बाग अदन में जो चारा उगाया था, खुदा कहता इस चारे को खाओ। इंसान के लिए, जानवरों के लिए, खाने के लिए खुदा ने जो बनाया था वो चारा था, गंदम खाते हैं। और जब जमीन पर गुनाह बढ़ा तो जानवर आपने आपस में लड़ना शुरू हुए, और जानवरों ने जानवरों को काटा, और उन्हें खून का मजा आया, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये गुनाह के बाद के वाकयात है। जब जमीन पर गुनाह बढ़ गया तो जानवरों ने जानवरों को खाना शुरू कर दिया, इंसानों ने भी जानवरों को खाना शुरू कर दिया। और कलाम मुकद्दस में जब यसु आता है तो वो दानियल नबी इस बात को बयान करते हैं कि मुझे खाने के लिए साग पात दो, मैं गोश्त नहीं खाना चाहता। और जब यूसुफ को भाइयों ने बेच दिया तो उसके भाई रूबन ने 7 साल तक गोश्त नहीं खाया, उसने रोजा रखा और वो सब्जियां दालें खाता रहा। और इसी तरह दानियल नबी ने भी इनकार किया और उसका चेहरा, उसकी शबी, उसकी शक्ल सारे लोगों से अच्छी थी। और कलाम मुकद्दस में जब यीशु आता है तो जो बात मैं बयान करने वाला हूं, यीशु जिंदगियों को बदल देता है, पतरस को बदल देता है, पलूस जिसकी जेब में कत्ल करने का सर्टिफिकेट था, जिसके पास लिखा हुआ था कि तू मार सकता है, और यीशु के पास आने के वसीले से, यीशु पर ईमान लाने के वसीले से उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसके हालात तब्दील हो जाते हैं। आज भी खुदा जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे हालात को तब्दील कर देता है। मुझे याद है चंद माह पहले एक हमारी टीम का लड़का मेरे पास आया, उसने कहा पादरी साहब आज एक शख्स गिरजे में आया और उसने बड़ी मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे चांटा मार दिया, तो मैंने हंसकर बर्दाश्त कर लिया कि मेरे यीशु ने कहा है कि अगर तेरी दैवी गाल पर तमाचा मारे तो बाएं भी उसकी तरफ कर दे। मैंने उसे कहा कि मैं तेरे पर दिली तौर पर आज खुश हूं कि तूने कोई रिएक्ट नहीं किया, हालांकि वो सिक्योरिटी का लड़का था। मैंने कहा कि आज तेरी जिंदगी में मुझे यीशु नजर आया, तेरी जिंदगी में हलीमी फरोतनी नजर आई है मुझे। और मैंने कहा कि मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद ये है कि लोग गिरजे में आए, चले ना जाए। और कई दफा याद रखे कि यीशु को भी मारा जाता है, यीशु की दाढ़ी नोची जाती है, यीशु के मुंह पर थूका जाता है, और वो क्या कहता है, बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु माफ करने की तालीम देता है, माफ करने की बात करता है। और मैं दिली तौर पर इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। खुदा ने हमारे दरमियान और मुझे बहुत से लोग आकर गुवाही, रात को भी एक शख्स मुझे गुवाही दे रहा था, रात की इबादत में, जुमेरात की इबादत में, रात जब हम दुआ करते हैं सुबह की इबादत की तैयारी के लिए, मुझे कह रहा था पादरी साहब जो हमें तंग करते हैं हम सिर्फ उनके लिए दुआ करते हैं, हम लड़ते नहीं। और यही यीशु इस दुनिया में करने के लिए आया था, वो अमन का बादशाह है, अमन सुलह। और मैंने कहा था वो उसने कभी जंग में हिस्सा नहीं लिया, वो कभी किसी लड़ाई में नहीं गया, वो हमेशा अमन सुलह और सलामती की बात करता है, वो सुलह चाहता है इंसान और खुदा के दरमियान। और कलाम मुकद्दस में इस बात को बयान किया गया, नन्ना बच्चा उनकी पेशरवी करेगा, गाय और रिछनी मिलकर चलेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, शेर बब्बर और बैल मिलकर भूसा खाएंगे। खुदा मेरा यीशु नेचर को बदल देता है, फितरत को बदल देता है, हालात को बदल देता है, सोचों को बदल देता है। और यहां पर खाने के पीने की बात हो रही है, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया अफई के बिल में हाथ डालेगा। याद रखें ईमान के साथ, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि
नेशनल ज्योग्राफी पर मैं देख रहा था कि एक अमेरिका में एक चर्च है जिसमें सांप इबादत के दरमियान में खुले छोड़ देते हैं और जहरीले सांप है। बाद में उसको उनका लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट किया गया, जब वो इबादत शुरू करते हैं अंदर सांप फिर रहे होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में अंदर सांप फिरते हैं। जब तक वो इबादत करते हैं सांप उनके आगे पीछे फिरते हैं, कोई किसी फर्द को नहीं छेड़ता, कोई किसी फर्द को सांप नहीं काटता। उसमें कितना जहर होता है, कितना जहर होता है, लेकिन मेरा खुदा उनके जहर को खत्म कर देता है। बाद में इबादत के बाद वो सांपों को पकड़ के जाके लेबोरेटरी में उनका जहर निकालते हैं और उनमें से पूरा जहर होता है, पूरा कर फर के बल सांप होते हैं। और कलाम कदस में खुद लिखा है कि शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो वही के बिल में हाथ डालेगा। और मेरे तमाम कोहे मकदस पर ना जरब पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा है इसी तरह जमीन खुदाम के अरफान से मामूर होगी। आखिरी बात जो कलाम हम पढ़ते हैं, जिस जगह हम आते हैं, जहां याद रखें कि खुदा आज जब मैं दुआ कर रहा था मैं कह रहा था खुदा तेरा घर तेरे जलाल से भर जाए, तेरा घर तेरे अबर से भर जाए, तेरा घर तेरी हजूरी से भर जाए। और खुदा यीशु के आने से पहले 750 साल पहले यशायाह इस बात को बयान करता है, उसी तरह जमीन खुदा के इरफान से मामूर होगी। खुदा अपने लोगों को मुकाशफा की बातें बताता है, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं। और रात को जब हम बैठे थे तो एक लड़का मुझे बता रहा था किस तरह मैं अब वो चीजें जो नहीं जानता मैं अब जानता हूं। खुदा करूं इरफान से मुकाशफा से आने वाली बातों से हमें भर देता है। और मेरी दुआ है कि इस क्रिसमस पर खुदा बहुत से लोगों की जिंदगियों को रू सके, बहुत से जेरों को मामूर कर दे, बहुत से उसकी बरकत को हासिल करें, बहुत से लोग उसकी कुर्बत में आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद चाहता है कि इस साल जब हम उसकी सालगिरह को मनाते हैं, और मैंने पहले कहा था चर्च जब शुरू हुआ था मैंने कहा था आज आमद का दूसरा इतवार है, और मैंने कहा था कि आज आमद का दूसरा इतवार है और आज से 2 हफ्ते बाद यानी 25 तारीख को जो इतवार है हम यीशु की सालगिरह मनाएंगे। और मैंने कहा था कि सालगिरह जिंदा लोगों की मनाई जाती है, मुर्दा लोगों की बरसी मनाई जाती है, और हमारा यीशु जिंदा है और हम उसकी सालगिरह की तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी में मेहरबानी करके अपनी जिंदगियां यीशु को दें, यीशु के कदमों में अपनी जिंदगियां रख दें, अपना आप यीशु के हवाले कर दें, उसे मदद और रहनुमाई मांगे। खुदावंद आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरे कलाम के लिए, तुम्हारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी, इस कलाम के वसीले से बरकत अता कर। खुदावंद खुदा बहुत से लोग अपनी जिंदगियां तेरे कदमों में रखे, और खुदावंद तेरी मेहनत करता हूँ कि हर एक को बरकत दे, हर एक जिंदगी को बरकत दे। बहुत से लोग तेरी कुर्बत में बढ़ते और तरक्की करते जाए। यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन।